आज भाई सुबह सुबह हमारी जो है लॉटरी लगी है और हमारे को जो पार्सल मिला वो बवाना का पार्सल मिला है। बवाना का ये पार्सल जो है हमारा 550 रुपये का है। अगर मैं इस पार्सल की बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो 529 रुपये का पार्सल है बवाना का, बवाना सेक्टर 2, और हम लोग जा रहे हैं अभी पिकअप के लिए। पिकअप लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं और ये 700 मीटर से पिकअप था। अब इन्होंने हमारे को बुलाया है गैस की एजेंसी में, तो गैस की एजेंसी इधर है कहीं। ये गैस की एजेंसी है, जरा हम कस्टमर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं गैस की एजेंसी पे खड़ा हुआ हूँ इधर ही पीपल के पेड़ के पास। अरे देखो सामने गेट खुला है, रुक के। कौन सा वाला गेट? नीला रंग का। देखो सामने गेट खुला, देखो कोई खड़ा मोटरसाइकिल। मैं आपको यहीं दिख जाऊंगा, ये मैं उधर नीला वाला गेट खुला हुआ है जो बिल्कुल सामने है टक्कर पे, दिख गया, मिल गया मुझे बंदा, दिख गया वहीं पे। ठीक है, आ रहा हूँ। तो भाई पार्सल देख लेते हैं क्या है। नीला वाला गेट खुला हुआ है, सामने भैया बुला रहे हैं हमारे को। बवाना का पार्सल भाई सुबह सुबह मिल गया 529 रुपये का, 499 ट्रिप फेयर है, बाकी कंपनी अपने पास से देगी पैसे हमारे को। क्या बात है यार, क्या बात है भाई। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पहले कभी सपने में मैंने इस जगह से पार्सल उठाया हो। हकीकत में तो नहीं, पर लग रहा है कि मुझे मैंने कभी। हाँ जी गुरु जी, लोकेशन सेक्टर 2 में जाना है ना? हाँ रोहिणी सेक्टर 2। पूरा लोकेशन मिल गया ना? पूरा लोकेशन तो फिर उनसे ही मांगना पड़ेगा मुझे कॉल करके, क्योंकि मेरे पास तो उन्होंने ये, आपने बुक किया? उन्होंने बुक किया, बुक आपने किया? हाँ तो आपने इसमें सिर्फ इतना लिखा है ना सेक्टर 2 बवाना, सेक्टर 2 बवाना में कौन सी जगह पर है वो एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे दोगे आप? गुड़िया का नंबर दो, लोकेशन पार्सल कौन सा है? ये पार्सल ये रहा भैया, बढ़िया पार्सल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और गोदाम है भाई ये स्कूटर किसका है भाई साहब? ये वाला है? ये स्कूटर चलता है स्कूटर? ये गाड़ी सही है, बैटरी कितने की डल जाती है दूसरी? ये बेचने के लिए है क्या? अगर ये चलता है तो मैं इसको लेने के बारे में विचार करूं, क्योंकि मेरा बेटा है। एकदम चालू हालत में। हाँ चार्जर उसमें है? हाँ चार्जर है ना उसमें लोकेश? भाई का नाम लोकेश है क्या? उसका नाम रोहित है। चार्जर इसी में है और बैटरी इसकी चेंज होगी है ना? तो ये बताना अगर बेचने का मन हो तो फिर मैं विचार बनाऊंगा, ठीक है? मेरा बेटा है, वो थोड़ा शैतान टाइप का, उसके लिए दिला देंगे। हमारी बात करो गुड़िया से। और पेमेंट इसकी वहीं पे होगी या यहाँ पे करोगे आप? आप करेंगे भाई। बवाना का पार्सल मेरे को ये इसलिए मिल पाया है क्योंकि मेरे पास से ये मुश्किल से 700-800 मीटर से पिकअप था। अगर यही पार्सल पिकअप थोड़ा दूर से होता तो मेरे को नहीं मिल पाता। तो कंपनी क्या करती है ना, जो सबसे पास राइडर होता है ना उसको पार्सल उठाने का मौका देती है, और फिर ये जैसे पानी के बहाव की तरह ना, आगे जैसे पानी का बहाव बढ़ता उसी तरीके से पार्सल आगे और राइडर तक पहुँचता रहता है। तो सबसे पहले पार्सल हमेशा उस राइडर को शो होता है जो बिल्कुल सबसे करीब है पार्सल के। तो मैं सबसे करीब था, सबसे पहले मेरे पास से होते हुए वो आगे जाएगा, एक एक दो दो सेकंड के स्पेस से वो आगे बढ़ता चला जाएगा पानी के उसकी तरह,
या आवाज़ की तरह, जैसे आवाज़ यहाँ से शुरू होती है आगे बढ़ती चली जाती है, इसी तरीके से पार्सल भी आगे बढ़ता है। और अब ये पार्सल मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, 527 रुपये का ये पार्सल है भाई। 530 रुपये हमने कैश कलेक्ट कर लिए हैं सर से, और पार्सल हमने ले लिया है। इसको खड़े में नहीं कर दोगे ऐसे? खड़े में कर दूंगा। खड़े में कर दो ऐसे, ताकि स्पेस बन जाएगा। अब ये खड़े में ऐसे ना, अब ये लास्टिक घुमा दो इसके ऊपर। एक सेकंड, ये चकोर है कि चकोर सा ही है? ऐसे ऐसे है। रुको, पकड़ना इसे मैं अभी। तो भाई बवाना का हमारा जो पार्सल है वो हमने पिकअप कर लिया है, और साइज़ भी ठीक है, मतलब कि ये नहीं कह सकते हम साइज़ ज़्यादा है, छोटा साइज़ है। और इसको हमने अच्छे से बांध लिया है लास्टिक से। अब ये है कि हम लोग यहाँ से अपनी ट्रिप को स्टार्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी है। ट्रिप ये हमारी स्टार्ट हो गई, साइन हो गया है। अब हमारा को ये है कि देखते हैं पहले कितना किलोमीटर की पार्सल है। तो हमारा ये टोटल पार्सल है 64 किलोमीटर का, और रूट इसमें अलग अलग दिखाता, तो दूसरा रूट देखते हैं कौन सा ठीक रहेगा। मान ली ये वाला 52 किलोमीटर का है, 52 किलोमीटर के ये वाले रूट से चल लेते हैं हम। इससे कम वाला कोई रूट है? 64 किलोमीटर है, किलोमीटर है, 2 घंटा लगेंगे। और ये 62 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर है, 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे। तो हम 52 किलोमीटर वाला ले लेते हैं रूट, 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे, इस वाले रूट से चलते हैं। अब इस रूट को हम एक बार चेक कर लेते हैं ये कहाँ से भेज रहा है हमारे को। भाई हमारे पास बवाना का पार्सल है, अभी हमने जब पिकअप किया है यहाँ पर। कमाल की बात समझ लेना क्या है, देखो ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं हम लोग। अब आपको ये सारी बात समझनी है अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो। यहाँ पर आप देखिए, हमने एक पार्सल उठाया था विश्वकर्मा कॉलोनी से, जो बवाना के लिए बुक हुआ था, बवाना सेक्टर 2 के लिए। अब क्या हुआ है, मैडम जी को याद आया है कि ये वाला पार्सल बवाना में नहीं भेजना है, ये इनको पार्सल कहीं और भेजना है। आधे रास्ते में जब मैं पहुंच गया हूं, तब मैडम को याद आया कि ये बवाना नहीं भेजना है, ये कहीं और भेजना है। अब इन्होंने क्या किया, मेरे को व्हाट्सएप पर लोकेशन दे दी कि भैया जी इस वाले पार्सल को बवाना नहीं, आप इसको यहाँ पर भेज दो। मैंने कहा एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन दे दो, जहाँ भी भेजना है मैं वहाँ पर लेकर के चले जाऊँगा इस पार्सल को। मैडम ने मेरे को व्हाट्सएप पर वो लोकेशन दे दी जहाँ पर इनको माल भेजना है। पर मैडम जी ने एक होशियारी कर दी, मैडम जी ने क्या किया, एक और इसमें स्टॉप जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिया, एक और स्टॉप इंक्लूड कर दिया इन्होंने। तो हुआ क्या, जो ट्रिप फेयर इनका 529 बन रहा था, वो बढ़कर 635 हो गया। जबकि मैडम को लोकेशन मैडम ने जब मुझे दे दी थी, तो मैं उस लोकेशन पर जा भी रहा था, उसके बावजूद भी मैडम ने थोड़ी सी होशियारी कर ली, और उस होशियारी का खामियाजा मैडम को उठाना पड़ा कि मैडम का जो ट्रिप फेयर है वो बढ़कर 529 से 635 हो गया। अभी मैंने देखो मैडम से फ़ोन पर बात करके सारी कहानी उनको समझाई है, तो आप पहले एक बार मैडम से मेरी बात को सुनना कि क्या बात है, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो, हाँ मैम, आपने अपडेट किया है क्या इसमें ऐप में? ऐप में मैंने लिखा तो है, मल्टीपल डाल दिया मैंने। मल्टीपल नहीं डालना था, आपने मुझे लोकेशन दे दी थी, मैं आपकी लोकेशन पर जा ही रहा था, आपने नुकसान करा लिया ना, अपना ट्रिप फेयर बढ़ गया उसमें, आपको ट्रिप फेयर बढ़ा के देना पड़ेगा। अच्छा, आपने गलती कर दी, आपने मुझे लोकेशन दे दी थी तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो गई थी। मैं तो आपसे इसलिए तो व्हाट्सएप पर सारी बातें कर रहा था, ताकि आपका नुकसान से बचा लूँ मैं आपको। आपने अपना नुकसान कर लिया थोड़ा ट्रिप फेयर बढ़वा के, वरना मैं तो आपकी दी हुई लोकेशन पे ही चल रहा था, मैं तो कंपनी के लोकेशन पे जा ही नहीं रहा था। और चलो नहीं नहीं मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप या तो आपने अभी जो तीसरी लोकेशन ऐड करी है ना, हाँ, उसको हटा दोगे तो ट्रिप फेयर आपका वही का वही रहेगा जो पहले था, अगर वो हट जाए। देखो आपने अभी एक लोकेशन ऐड करी है ना इसमें, मैंने लोकेशन उसमें एड्रेस कुछ लिखा ही नहीं है। आपने इसमें स्टॉप ऐड कर दिया ना एक, हाँ। वो स्टॉप ऐड करने से ट्रिप फेयर बढ़ गया, अगर आप वो स्टॉप जो आपने ऐड किया है ना उसको अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपका ट्रिप फेयर लौट के वही वाला आ जाएगा, और मैं आप ही लोकेशन पे रहा हूँ।
ठीक है ठीक है। मैं आपसे पैसे बचवाने के मकसद से कह रहा हूँ ये बात, आप मेरी बात को किसी और वे पर लेने लेके जाना, ठीक है ना? ठीक है। आपने देखा होगा आपका ट्रिप फिर बढ़ गया है पहले के मुकाबले ना। तो वो अगर आप अभी जो आपने ऐड किया है ना उसको कैंसिल कर दोगे तो फिर वो आपका ट्रिप फिर पहले वाला ही रहेगा, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी आप मुझे ज्यादा दोगे मेरे को तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है चलो मैं देखती हूँ। भाई ये चांदनी चौक सदर बाजार ये जो एरिया है ना यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो पार्सल पिकअप करने में बहुत दिक्कत आती है। पार्सल पिकअप करना क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ होती है, बाइक लगाने की जगह नहीं होती, और कई बार कस्टमर जो है ना बोल देता है कि भैया पिकअप लोकेशन पे आना पड़ेगा, हमारे पास लड़का नहीं है, और तरह तरह की समस्याएं हैं। और चांदनी चौक सदर बाजार जैसे एरिया में ना बहुत सारे पार्सल जो हैं वो कैंसिल भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, जिसकी वजह या तो राइडर वहाँ नहीं पहुंच पाता इस वजह से कैंसिल होता है, या फिर पार्सल हैवी होते हैं। मोस्टली जो दिक्कतें आती है ना वो यही दिक्कतें होती है कि पार्सल हैवी होते हैं, पार्सल बहुत हैवी होते हैं, पार्सल हैवी होने की वजह से राइड कैंसिल होती है। कस्टमर केयर में कॉल करके हम लोग गुडविल ले भी लेते हैं, चलो गुडविल हमें क्या मिलती है यार, 20-30 रुपये के चक्कर में हमारे को डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे हमारे ख़राब होते हैं। अभी देखो मैं पार्सल लेने आया हूँ, आप देखो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसका ओवर साइज है, साइज़ इसका ओवर है। मैंने यहाँ कस्टमर को क्लियर मना कर दिया कि भैया इसका ओवर साइज है, मैं इसे नहीं ले जाऊँगा। पर आप ये समझ लो कि इस पार्सल को मैंने एक्सेप्ट किया तब से अब तक लगभग एक घंटा मेरा ख़राब हो गया, एक घंटा ख़राब हो गया, और शायद हो सकता है कि एक घंटा मेरा और ख़राब हो, क्योंकि जब मैंने इस ट्रिप को कैंसिल करवाया तो अगली ट्रिप का कोई पता नहीं कि अगली ट्रिप मुझे कब मिलेगी, तो एक घंटा मेरा ये वाला गया और अगला एक घंटा भी हो सकता है चला जाए इसकी वजह से। ये चांदनी चौक सदर बाजार आपका एरिया हो गया, करोल बाग हो गया, यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए मैं हमेशा इन जगहों पर आने से बचता हूँ, क्योंकि इन जगहों पर समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पार्सल पिकअप कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर ट्रिप कैंसिल हो गए तो आपके 1.5 से 2 घंटे भी ख़राब होते हैं। अब ये देखते हैं, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप की, कोई नेक्स्ट ट्रिप हमारे को मिलेगी उसको हम देखेंगे, कोई बढ़िया सा पार्सल मिल जाएगा। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था किसी अच्छी ट्रिप का, छोटी छोटी ट्रिप मेरे को मिल रही थी 70-80-100 रुपये वाली, पर मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था और मेरा टाइमर चल गया था, और मैं अब तक लगभग 9 या 10 ट्रिप को कैंसिल कर चुका हूँ, यानी कि मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखते हैं यार अगली ट्रिप हमारे को कोई मिल जाए ढंग की सी यहाँ से, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, फिलहाल वेट करते हैं। 800 रुपये का काम मैंने पोर्टर के साथ किया हुआ है, रैपिडो के साथ मैंने 200 काम किया था, कुल मिलाकर यार मैंने जो भी कमाया उसको छोड़ दो, आप अपनी कमाई देखो भाई, आप अपनी कमाई करो, मस्त रहो, धन्यवाद।